गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और गाइज इन पानी को अवॉइड करना क्योंकि अभी सो के उठी हूँ, और सो के उठने के बाद मुंह धोया, जैसे ही मुंह धोया तो टी शर्ट पे गिर गए मेरे पानी के दाग। ओके आप सब इस चीज को समझ ही रहे होगे, सबके साथ ऐसे हो जाता है, ऐसे सिंक में मुंह धोते हैं, सिंक के वॉश बेसिन में, मैं इन चीजों में पजल हो जाती हूँ, जहाँ पे हम मुंह धोते हैं वो सिंक होता है या वॉश बेसिन, आई डोंट नो। तो गाइज ये इसीलिए डले हुए पानी, और अभी मेरे को मिल गया खाना, बहुत तेज भूख लग रही है, लेट उठी थी तो इसलिए मेरा मन करा कि खाना खा लेते हैं। चलो अभी गाइस खाना खाते हैं, उसके बाद फिर शूट करते हैं, आज जरूरी बातें करनी है, बाकी आप थंबनेल से समझ ही गए होंगे किस लिए बात करनी है और क्या बात करनी है। चलो एक बार खाना खा लेते हैं। चलो गाइस टाइम हो रखा है 9:06, और खाने में आज क्या है, ये है रायता, लस्सी में कुछ पता नहीं क्या कर रखा है, और ये है आलू पत्ता गोभी की सब्जी, और ये है रोटी। चलो खा लेती हूँ एक बार, खाना खाने के बाद करती हूँ थोड़ी शूटिंग इन द सेंस व्लॉग शूट करती हूँ। अभी एक बार मैं खाना खा लेती हूँ। गाइज ये देखो किसका खाना रखा हुआ है, समझ रहे हो ना, वो आ गई। गाइज मैं यहाँ पे तो व्लॉगिंग कर रही हूँ, और ये मेंटल सी ना कुछ बजा रही है इसमें एलसीडी में, ताकि इसके इसमें कॉपीराइट आ जाए, यही चाहती है ना तू, यही इरादे है ना तेरे, समझ रहे हो ना गाइज इसको। रोटी खा लेना, अब छुप गई, खा लेना, रात तो तू बीमार हो रही थी, मैं देख लो ये सिस्टम। गाइस आप इसको कमेंटों में बोलते क्यों नहीं हो कि तेरे पास यही कपड़े रह गए हैं, डेली इन कपड़ों को पैर के बैठ जाती है, पता नहीं कैसी है। जब मैं तैयार हूँ, जब पूरे व्लॉग बनावे तू घर में तो नहीं पैर करो। ओके ये नारा नित दिन राजगी तेरी, क्या बोल रही है, घर में तो सब ऐसे कपड़े पहनते हैं, और वो भी सुबह सुबह नहा के दिन भाई हम नहीं, मैं तो ऐसे रहती हूँ अपने घर पे, मेरे को बाहर थोड़ी, मैं अपने भी बाहर नहीं। अच्छा जी मैडम जी सॉरी, गलती होगी गाइस, मैं तो खाना खा रही हूँ, तो मैं दिमाग चला दिया। चलो मैं खाना खा लेती हूँ। तो चलो अब करते हैं व्लॉग स्टार्ट। सबसे पहले आज के व्लॉग में डिस्कस करेंगे दो बातें, पहली तो आपको पता ही है, पहली बात है कि मैं इंस्टाग्राम पे इतनी फ्रस्टेड, इतनी रिटेट हो चुकी हूँ ना, लोग फेक अकाउंट बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, हमें फेम गेन हो रही है, हमारी फेस वैल्यू बढ़ रही है, बहुत अच्छी बात है, बनाओ, मतलब ये तो कुछ टैलेंट होगा। मैं व्लॉगिंग कर रही थी और अर्चित आ गया बीच में, तो मेरे को व्लॉगिंग रोकनी पड़ी। अबे रुक जा जरा, मुझे भी ले ले। और जब गाइज ये व्लॉग में होता है ना, ऐसे बोलता है एलसीडी में, वही व्लॉग चला दे, खुश हो गए हो खुद ना देख कर, ले आ जा। तो गाइज मैं बात कर रही थी कहाँ पे, उसी पॉइंट पे बात कर रही थी कि जो फेक अकाउंट बना रहे हैं भाई, इतना परेशान कर दिया, तुम सर्च करके देखो 400-500 मेरे फेस का वो फेक अकाउंट बने हुए, सॉरी, और इतना पागल बना दिया भाई, उल्ट सुलट वीडियो घेरते हैं, मतलब किसी का फोटो चेप देंगे, वो चीज़ गलत है, वो हरकत गलत है, तुम वीडियो कॉपी करके डाल रहे हो, फेम गेन कर रहे हो, फॉलोवर्स ले रहे हो, लो जो मर्जी करो, बट सबसे पहली बात तो ये है कि ना उस पर लिखना चाहिए फैन पेज, और दूसरी बात अगर ऐसा भी नहीं लिख रहे कि तुम चोरी कर रहे हो या कुछ भी है तो करते रहो, बट ना ऐसे उल्ट सुलट मत लगाओ कि फोटो लगा दिया, ये कर दिया, क्योंकि मैं बोलना नहीं चाहती। चलो देखते हैं, अभी मैंने व्लॉग कर दिया, मैसेज दे दिया इस बारे में, अदरवाइज आगे देखेंगे, क्योंकि सोल्यूशन तो हर चीज़ का होता है, आप लोगों को भी पता है, अगर आप कॉपी वीडियोस कॉपी करके अपलोड करना जानते हो तो पीछे का नॉलेज भी होगी आपको कि क्या ही कर सकते हैं क्या नहीं, है ना भाई अर्चित, है ना भाई, हाँ बोल रहा है, ले ले अपना फोन। अर्चित अर्चित सब पूछते हैं ये कौन है, ये छोटा सा कौन है, सब पूछते तेरे बारे में, ये मेरा भाई है छोटा सा, वीडियोस में आप पूछते रहते हो ना कौन है, तो अर्चित मेरा भाई है। और दूसरी बात आपको बता दूं, आज मैं ऐसे कैसे ब्लॉगिंग कर रही हूँ गाइस, भूल जाती हूँ। सबसे बड़ा जो मेरे साथ प्रॉब्लम है वो ये है, लाइट ऑन कर देना, सबसे बड़ी जो मेरे साथ प्रॉब्लम है वो ये है, मैं ना व्लॉग एडिट करती हूँ VN, मेरे को कोई ऐप बताओ कोई ढंग का, VN ऐप में व्लॉग एडिट करती हूँ, अपलोड करती हूँ, पूरा 2 घंटे लग जाते हैं उसको अपने फ़ोन में डालने के लिए, सेव करने के लिए, बट एंड पॉइंट पे जाके फेल हो जाता है, इतना गुस्सा आता है, इतना दिमाग आउट होता है, फिर मैं पूरा व्लॉग एडिट होने के बाद उसको डिलीट करती हूँ, डिलीट करने के बाद फिर दोबारा ट्राई करती हूँ। हाँ जी लाओ गाइस, देखो मेरे लिए क्या लेके आया है, कह रहा है इसको लगा लो, लगा लूँ, ओके खेल लो आप, गाइस कह रहा फ़ोन दे दो दूसरा, उसको दे के धड़ाम मारेगा धरती में,
आ गया आ गया आ गया आ गया मेरा बेटू आ गया आ गया आ गया गाइस गाइस ये देखो ये देखो मेरे से लग रहा तू खुद लगा ये देखो भाई इतना दिमाग कहाँ से लेके आता है तू कमरे में पढ़ ले मत देख रहा बोर्ड लग ये गाइस ये दूसरे कमरे में गया बोर्ड देख के आया डाटा केबल वहां पे दिखी नहीं तो वापस मेरे पास ही आ गया कह रहा फोन चार्जिंग पे लगा इसको फोन चार्जिंग पे लगाने का पता नहीं कौन सा कीड़ा है एक देखो गाइस क्या कर रहे हो आप लग गया बेटा ये आईफोन का चार्जर है नहीं लगेगा मम्मी ने रोटी दे दी मम्मी ने खा लो फिर फोन में क्या रखा है गाइस कितना तेज दिमाग है बच्चों में इतना दिमाग आता कहां से है तो दूसरी बात ये थी गाइस कि एलविस भाई का मीटअप था अभी मैंने देखा बहुत तकड़ा मीटअप था जो ये स्टार लोग भी हैं जो मुंबई वाले हैं जो भी हैं उधर से जो ट्रॉफी जीत के लाते किसी का भी ऐसा नहीं हुआ होगा तो यही होता है सिस्टम सब ट्रॉफी लेके अपने घर बैठ जाते हैं इंजॉय करते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में इंजॉय करते हैं पार्टीज वगैरह करते हैं सेलिब्रेट कर लेते हैं That's it. और जो इन्होंने बोला था इन्होंने वही किया देखो मीटअप रखा सबको मिले सबको बोला आपकी ट्रॉफी है ये वो तो मतलब अच्छा ही है बहुत अच्छा लगा और दूसरी बात यही थी कि मैं बहुत ट्राई करती हूँ व्लॉग करने का बट व्लॉग इसलिए नहीं कर पाती व्लॉग करती हूँ उसके बाद एडिटिंग करने बैठती हूँ तो मेरा हो ही नहीं पाता ये और मेरा सिर में दर्द हो जाता है फिर मेरे को गुस्सा आता है फिर मेरा मन करता है मत कर छोड़ दे और ऊपर से ये अर्चित गाइस एक मिनट रुकना अर्चित सुन रहे हो ना अर्चित देखना गाइस कितना खुश हो रहा है फोन का कहते जैक देखियो क्या कर रहा अर्चित लम्मा मार कमर उनका पागल सी अर्चित का बार बार अर्चित लम्मा मार इसका अर्चित बेटू मार इसका अर्चित इसका बुड़का भर दे नहीं बेटा नहीं नहीं गलत ये तो गंदी है ये गलत चीजें सिखाती है कर दो इसका क्या दे पागल सी तंबू ये मार 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 दीदी के मार के दीदी को मार के दीदी को मार के दीदी को कौन मारता है दीदी के आप मारते हो गट्टिया गाइस आपके घर में भी है ऐसे छोटे छोटे बहन भाई मेरा तो बहुत कसुत्ता है ये अर्जीत इसके ये लग गई मेज देख देख मारेगा इसका मार मार इसके मार गाइस इसको ना मेज लग गई और इसके मेज लगने के बाद ना दर्द हो गया जाके तन्नू को कर आई आई ऐसा ऐसा मुंह कर तो गाइस और कुछ बातें करनी थी यही बातें करनी थी आप मेरे को बताओ कौन सा ऐप होता है जिसमें ज्यादा एडिटिंग होती है अच्छे से हो जाती है यार मेरे फोन में स्पेस भी है सब कुछ कर लेती हूँ फिर भी व्लॉग नहीं हो पाता अभी इसका भी पता नहीं है मैंने इसको रिकॉर्ड तो कर लिया पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा इतना गुस्सा आता है ना क्या ही बताऊं और दूसरी बात ये कि आप लोग YouTube पे इतना प्यार नहीं दिखा रहे Instagram वगैरह पे अच्छा है मतलब वहाँ पे व्यूज भी अच्छे आते हैं सब कुछ ठीक है बहुत बढ़िया है पर यहाँ पे नहीं है पता नहीं क्यों 40-45 हज़ार लोग मेरी स्टोरी देखते हैं और उसमें से मतलब मेरे जो YouTube पे व्लॉग वगैरह कुछ अपलोड कर दूँ वो देखते हैं सिर्फ 1,000 उससे प्लस तो तब तक पता नहीं कैसे होते हैं ऐसे क्यों कर रहे हो भाई जब तुम स्पॉट करोगे तभी तो मैं व्लॉगिंग कर पाऊंगी और 1,000 में भी ना कम से कम 400-500 तो हमारे रिश्तेदार हैं 300-400 हमारे गांव के लोग हैं क्योंकि सभी बोलते हैं तेरा व्लॉग देखा भाई तुम कहाँ हो मेरे इंस्टाग्राम की पब्लिक कहाँ है वो कहाँ चले जाते हैं वो यूट्यूब नहीं देख रहे क्या गलत चीज है गलत कर रहे हो फेक अकाउंटों को फॉलो कर रहे हो मेरे अकाउंट तुमसे फॉलो नहीं हो रहे यूट्यूब पे तुम जाते नहीं हो देखते नहीं हो और जहाँ पे मेरी फेक मतलब मेरी वीडियोस डलती है दूसरे फेक अकाउंट्स पे उनको इतना सारा प्यार दिखा रहे हो गलत है ये तो यार बहुत गलत है चलो मीटअप के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं मीटअप अभी चल रहा है बट म्यूट कर रखा है पीछे से इसलिए म्यूट कर रखा है कॉपीराइट आ जाता है दूसरी बात सुनो कि मीटअप में आए खट्टर जी तो यहीं से आप सिस्टम समझ गए हो ना और दूसरी बात ये है कि बस ऑलरेडी सिस्टम यार पता क्या मेरे को ना व्लॉग की ना आइडियाज नहीं आ रहे कि क्या व्लॉगिंग करूँ एक तो टाइम ही नहीं लगता भाई तुम ये बताओ तुम्हें अपनी पूरी पूरी हिस्ट्री बताओ पूरी मैं क्या करती हूँ सुबह से शाम तक मेरी लाइफ में कितना काम है अगर आप चाहते हो अगर इस व्लॉग पे 3,000 व्यू आते हैं तो शेयर कर देना
3000 तुम लोग करवा दोगे अगर शेयर करोगे तो। अगर इस व्लॉग पे 3000 व्यू आते हैं ना तो लिटरली मैं आपको अपनी जिंदगी की सच्चाई बताऊंगी कि मैं सुबह से शाम तक करती क्या हूँ। और आप ना एकदम ऐसे शॉक्ड हो जाओगे, हैं ऐसे भी है, लिटरली हो जाओगे, झूठ की बात नहीं है। इंटरव्यूज दिए ना, इंटरव्यूज में भी एक ही इंटरव्यू दिया, वैसे तो इंटरव्यूज कैसे बोल रही हूँ, गलत है ये तो एक ही इंटरव्यू दिया है, उसमें जो बताया है, जो तुम लोगों ने सुना है, उन जिनको इंटरव्यू दिया था उनके चैनल पे तो 3.5 लाख व्यू आए थे, फेसबुक पे मिलियंस थे, रील्स पे और व्लॉग पे इतने ही थे 3.5 लाख। बट मेरे पे तो ऐसे ही थे 16 हज़ार पता नहीं कितने इतने थे, ठीक है। जितने भी लोगों को जितना उस मतलब उस इंटरव्यू से पता चला ना, उस इंटरव्यू से अलग तो भाई इतना इतनी भड़क है ना मेरी ज़िंदगी में, इतना काम है ना, मैं अपने चैनल पे अपने तरीके से उसको रिवील करूँगी, उसको बताऊँगी भाई मैं क्या करती हूँ। मतलब सब सोचते हैं वीडियो बनाती है बस, ठाया फ़ोन वीडियो बना दी ये वो हर चीज़, सब सोचते हैं भाई की वीडियो बनाती है, ऐसा है क्या? तेरे को दीदी दिखती भी नहीं है पूरा दिन, है ना, गुस्सा है रिपोर्ट को दोबारा कुछ। हाँ भाई कह रहा है बोबो चलाते, दो मिनट में चला रही बेटा, गाइस देखना मेरे भाई, गाइस देखना मेरे भाई को, आजा चलाएंगे बेटा, थोड़ी देर कॉपीराइट आ जाएगा, कह रहा है एलजीडी में ना म्यूट क्यों कर रखा। मम पिला दे दीदी बहुत मन करता है मैं इसके पास रहूं पर मैं घर भी नहीं रह पाती। गाइस आप इस पे 3000 व्यू कर दो व्लॉग पे, बोल दे और पी लो, 3000 व्यू कर दोगे ना इस वाले व्लॉग पे, फिर हमने अपनी सारी बात बताएंगे, हम सुबह उठ के क्या करते हैं, हम अर्जित को क्यों नहीं दिखते हैं, हम अर्जित को पूरा दिन कहाँ रहते हैं, गायब रहते हैं अर्जित मेरे बेटा, है ना भाई। तो गाइस कर दोगे ना 3000 इस पे व्यू, 3000 भी होता ही सिस्टम है, सारी बात बता देंगे, फिर हम पूरी व्लॉगिंग करा करेंगे, पूरा दिन कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कितना काम है जिंदगी में, कितना स्ट्रेस है, सब पता चल जाएगा। अपने ही चैनल पे बताऊंगी, दूसरों को हम इंटरव्यूज में क्या ही बताएं, है ना, सही बात है ना गाइज। तो अभी इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, अगर आपको पूरी हिस्ट्री चाहिए, पूरा क्या होता है वो बायोग्राफी क्या होता है वो चाहिए मेरे व्लॉग में मेरी, तो मैं आपको तभी बताऊंगी जब इस व्लॉग पे 3000 व्यू हो जाएंगे। अर्चित बोल दे यार 3000 व्यू कर देंगे, बोल देना ठीक है गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर में, थोड़ा नेक्स्ट व्लॉग में मैं देखती हूँ कि आप इस पे 3000 कब तक करवाते हो, जब इस व्लॉग पे 3000 व्यू हो जाएंगे ना, बस 3000 ही तो बोला है यार, 40000 लोग तुम स्टोरी देखते हो, 3000 ही तो व्यू बोला है, कर दो ना, तब फिर मैं बताऊंगी पूरी पूरी कैसे क्या है, सुबह उठ के मैं कहाँ रहती हूँ 8-9 घंटे, देन उसके बाद घर आती हूँ, सब बताऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।